सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। अपर्णा कवर्णा च पाटला पाटला वदे
प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्र द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ विभूति की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सही भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकरण, माँ भगवती की स्तुति इसका क्षयफल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। जहाँ स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा
माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। धन लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है। वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मण कुल कर्म करते हुए, इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच। ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्म ऋषिः अनुष्टमछन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासक्तमतरबीजौ निरबन्धदेवता सत्त्वौ शीलदम्भावृत्यथ सप्तशतिभागत्वेन यपे विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेयवाच। ॐ यद्वयं परमलोके सर्वरक्षाकरणिणां यज्ञकस्य चिराघातं सर्वे ब्रूहि पितामह ब्रह्मावाच। अस्य भयतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकम् दिव्याशोका चम्पुण्यशुणश्च महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डले कोष्माण्डेति चतुर्थक पञ्चमं स्कन्धमादेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महाकालेति चाशम नवमं सिद्धिरात्रे च नवजोगः भगेति च उक्तानि नानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निनादयमानस्य शत्रुमध्ये गचरण विषमे दुर्गमे चैव भयास्ताः शरणं गत न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्गणे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि जेष्वक्षास्मिदानूनं तेषां वृत्तिः प्रजायते येतां समन्ति देवेशे रक्षचेता न दन्तया वेतनन्दातु चामुण्डा वाराये महिषासना यन्त्रेकसमारूढा वैश्वे करुणासना माहेश्वरे वृषारूढा कौमारीशिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवे पद्महस्तहरिन्द्रया श्वेतरूपासना देवे ईश्वरे वृषभाहना भौमी हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतावतरः सर्वः सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाटा नानारत्नापशोभिता दीर्षं नैरथमारूढा दिव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिम् अलं कामुसलायुधं खेडकं सोमरं चैव परशुं पारमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् देत्यानां देहदाशाय भक्तानामभयाय च धारयत्यायुधानेतं देवानां च हिताय वै नमस्यमहारोद्रे महागौरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्रायमाद्यविदस्पृश्य यत्रो नामयवर्धने प्राच्यावक्षतमावेन्द्रे आग्नेयामक्षिदेवता दक्षिणे मधुमालाये नैरत्यां खड्गधारणे प्रदेश्या वारुणे रक्ष वायभ्या मृगवाहिने उदेश्या मधुकौमारे ऐशाद्यां शूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ताद्वैष्णवे तथा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डाशवाहन जया मे जागदः पातो विजया पातो प्रस्थितः अयता मम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामध्यादये रक्ष दुमामूर्ध्वे व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवौ रक्षे च षष्ठिने त्रिणे च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके
शंखने चक्षुर्मध्य श्रोतवचने कपालौकालिकालक्ष्य कर्णमूल तु शङ्करे नासिकायां सुगन्धा च रक्तरश्चिक अधरे च मृतकलाजिह्वायां गर्धरस्वरे दन्तरक्षत कौमारे कण्ठदेश तु चण्डिक घण्टिकां चित्र घण्टा च महामाया च तालुक कामाक्षेजौ गौरक्ष वाच मे सर्वमङ्गला ग्रीवाया भद्रकाले च पृष्ठभञ्जे धनुर्धरे नीलग्रीवामहे कण्ठे नलिकाम्रलकोवरे स्कन्दयो हरिनिरक्ष बाहो वज्रधारणे हस्यो दण्डनिरक्ष अम्बिका च कुलेश्वर जघाशोरेश्वरे रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरे सरो रक्ष महादेवे मणाशोकविनाशिने हृदय ललिता देवे उदरे शूलधारिणे नाभचकामिनि रक्ष वयमयेश्वरे तदा भूतनाकामि कामैरं कुले महेशवाहिने कट्यं भगवति रक्ष जारुणे विन्दवाचने यज्ञ महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिने गुरुभयवानारसिंहे च पादपृष्ठे सुदेशे पादाङ्गुलेषु च रक्ष पादाधस्तरवाचने जगादशाकराले च केशाचेभोर्ध्वकेशने रोमकोपे च कवेरे त्वजौ राजेश्वरे तदा रक्तमध्यावसामासाम्यस्तिभेदस्य पार्वते मन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मकटेश्वरे पद्मावते मधुमकोशे कभे जोडामणे सदा ज्वालामुखेन गज्ज्वालामवेद्या सर्वशन्न च शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां सत्त्वेश्वरे तथा अहङ्कारं मनोमध्यं रक्ष मे धर्मधारिणे प्राणपाणौ तथा व्यानं मदानं च समानक वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभन रसरूपे च गन्धे च सप्त स्वस्य सुजागिने सप्तरयस्तमस्यैव रक्ष नारायणे सदा आयो रक्षतु महाराय धर्मो रक्षतु वैष्णवे यथा चैत्यं च लक्ष्मीं च गणविद्यां च चक्रणे गौतमिन्द्राणि मे रक्ष पशोन्मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षन्महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु वैष्णवे पन्थानां समता रक्ष मार्गं क्षेमकरे सदा रायद्वारे महालक्ष्मे विजया सर्वसहसिता रक्षाहीनं तु यौसाणं वर्जितं गवजेन तु तत् सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ते पापनाशने परमेकं न गच्छेतु जनेच्छे शुभमात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छते तत्र तत्र प्लावश्च विजया सार्वकामिकः यं यं जन्दते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुलं प्राप्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते भक्त्यः सङ्ग्रामेश पराजितः त्रैलोके तु भवेद्भुज्यः कवचेनामितः भवान् इदं दोदेभ्यः कवचं देवानामविधुर्णवम् इह परे प्रयतो नित्यं त्रिधं सत्यामितः देवी कला भवेत्तस्य त्रैलोकेश पराजितः देवे वर्षतं सक्रम् अपमित्यो विवर्षितः नश्यन् देव्यादयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः साफलं जङ्गमं देव कृत्रिमं याभियद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचलः शेषराश्रैव जलयाश्वपदेशिकः शाकुलजामाला ढाकिणेश गिणेशः अन्तरिक्षाचला घोरा ढाकिण्यश्व महामलाः गृहभूतविशाचा च यक्षगन्धर्वरासः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डाभैरवादयः दश्यन्ति दर्शनार्दस्य कवचे सञ्चिते बाणो न निर्भवे राज्यश्रेयो वृद्धे करं परम् जसदा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जवेर्षभ्यते चण्डे नृप्तादो कवचाम्बुर यावन्भोमण्डलं तत्र जयलापदकानन तावद्दृष्टरि मे गञ्जा सन्तले पुत्रपात्रिके देहान्ते परमासरणं जसुरैरपि दुर्लभम् प्रापुरोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः
लभते परम रूपम शिवेन समोदते। अथ अर्गलस्तोत्र। ॐ अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्विषये अनुष्टुवछन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशतीमाढागत्येन यमे विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मारकण्डेरुवाच। ॐ जयन्ते मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाक्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सदा नमस्ते। जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतादिहारिणे जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमस्ते। मधुकैटवमित्रावे विधात्रे वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा देहि महिषासुरनिर्णासे भक्तानां सदते नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि रक्तबीजवदे देवि चण्डमुण्ड विनाशने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिने। रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो देहि वन्दिताग्नि युगे देवि सर्वसौभाग्यदायिने। रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो देहि अचिन्त्यरूपचरित सर्वशत्रो विनाशिने। रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो देहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो देहि सुमध्य भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिने। रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो देहि चण्डिके सदन्ये त्वाम् अर्चयन्ति भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि विदेहि दुर्गं नाशं विदेहि बलमच्छगैः। रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमांशयम्। रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि सुरासुरधिरारत्नानिग्रस्ताचरयम्बिके। रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो देहि विद्यावन्तं जगद्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो देहि प्रचण्डदैत्यदर्वग्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो देहि चतुर्भुज चतुर्भक्त संसुते परमेश्वरे। रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो देहि कृष्णेन संसुते देवे सत्सभक्त सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो देहि हिमाचल सदानाथ संसुते परमेश्वरे। रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो देहि इन्द्राणि परिसद्भाव पूजिते परमेश्वरे। रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो देहि देवे प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशने। रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो देहि देवे भक्तजनोधाम दत्तानन्दोदयम्बिके। रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो देहि पदने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सजलस्य कुलोद्भवम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्द्र स तु सप्तशते सङ्ख्या धर्मा कुरोति सम्पदा। अथ कीलक। ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अष्टवसन्दः श्रीमहासरस्वतीदेवता श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थं सप्तशतीमाढागत्येन यमे विनियोगः। ॐ नमः
मार्कण्डेय मार्कण्डवाच विशुद्धयानदेहाय दिव्यदे दिव्यचक्षुषे श्रियः प्राप्तनिमित्ताय नमः सोमाचारिणे सर्ववेदध्यानीयमन्त्रानवविहीलकम् स्वपि क्षेमवाप्नोति सततं याप्यतत्परः सिद्धन्तजाननादीनि वस्तूनि सकलानि एतेन समतां देवि सोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रोणौषधं तज्जनकेन्द्रेदविद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राणमि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामिमावरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वैचण्डिकायास्तौ तच्च गौतं जगारसः सुमातीर्ण यमुन्नस्य तं यथा वह्नियत्रणाम् स्वपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न सन्धयः कृष्णायामाचतुर्दश्यमष्टम्यामसमाहितः ददाति प्रतिगण्णाति नान्यदेशा प्रसीदते इत्थवरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् योनिश्लीलामृदायैनं नित्यो यवति ससुणम् स सिद्धः सकलः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न देवप्रणतस्तस्य वयं काविह जायते नवमृत्योमजाति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिविरचेन्द्यौ दृश्यते नरनायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्यमिदं शव क्षयस्व याप्यमाने स्वे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहाणि परमोक्षः श्रूयते स न किं गणैः श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र
क्षमा प्रार्थना है अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरण दासायमिति नामस्य क्षमस्व परमेश्वरे आवाहनं न जानामि न जानामि भक्तिहीना सुरे
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते हुए लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। जन साधक जन, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस माँ जगजन ने यक्त माता के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं। अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती का श्रवण करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जब माँ भगवती, माँ वैष्णवी जब प्रसन्न होती हैं तो यज्ञ का वध होता है, यज्ञ का कल्याण होता है। अर्थात प्रसन्न होने पर ये भक्तों को सब ओर से रिद्धि सिद्धि प्रदान करती हैं, उनकी मनोलक्षित कामनाओं को पूर्ण करती हैं और सर्वत्र जो है उन भक्तों का मंगल मंगल करती हैं। इसके अभाव में जब जब कुपित हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, तो उन्हें जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। इसलिए भक्तजन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए, माँ को मनाने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों का क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना, सर्वदा इसी तरह से अपने चरणों से हमें लगाए रखना, अपने दरबार में हमें बुलाती रहना। ये देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। सच्चे दरबार की वंदितांग्रे जुगे देही सर्व सौभाग्य दायिनी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। सबके द्वारा वंदित तथा जुगल चरणों वाली
संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाले हे देवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों की ये करवत प्रार्थना है कि माँ आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। सच्चे दरबार की तो माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरम पा रही। वास्तव में सच्चे हृदय से, विशुद्ध मन से जब साधक जन इस जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के माँ के चरण नतमस्त होते ही इस दिव्य गुहा के अंदर इस जगजन्य जगत माता की इस दिव्य पिंडी के रूप में माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती के दर्शन करते हैं, माँ के चरण नतमस्त होते ही माँ से प्रार्थना करते हैं, जो तीनों माताएं हुई महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार करती हैं, उन्हें हृदय से आशीर्वाद देती हैं, जिस आशीर्वाद से वह भक्त जन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आज बड़ा ही उत्तम दिन है, आज जो है फाल्गुन मास के शुभ संक्रांति ही और इससे विशेष करके गुप्त नवरात्र भी चल रही है। गुप्त नवरात्र की आज अष्टमी तिथि है, अष्टम नवरात्र ही और जी माघ शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है जे भीष्म अष्टमी कहलाती है। भीष्म अष्टमी अर्थात ये बड़ा ही एक विशेष दिन है भीष्म अष्टमी का, क्योंकि आज के दिन ही भीष्म पितामह ने माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन जो है अपने प्राण त्यागे थे। जिस समय वे सरसज्जा पर पड़े हुए थे तो समय नकुल सहदेव से बुला करके उनसे कहा था कि इस समय समय कौन सा चल रहा है, हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो समय का विचार करते हैं। तो भीष्म पितामह ने उस समय उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इस समय तो दक्षिणा नहीं। तब भीष्म पितामह ने अपने मृत्यु का विचार जो स्थगित कर करके जे माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन और बुधवार आज का दिन था, बुधवार ही था उस दिन जो है, बुधवार ही था अष्टमी, बुधवार के दिन जो है माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन जो है भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। इसलिए बड़ी विशेष स्थिति, एक तो गुप्त नवरात्र है, गुप्त नवरात्र की जो अष्टमी जो भीष्म अष्टमी, दूसरा फिर आज जो है संक्रांति भी, संक्रांति का ये दिन जो है और ये ऐसा एक संयोग बना हुआ है अष्टमी संक्रांति भीष्म अष्टमी गौतम रात्र जो है। तो इसलिए ऐसी पर पवित्र वेला में जो है ऐसे पवित्र स्थान पर आकर के पुण्य कर्म करना, जप करना, पाठ करना, भगवान का स्मरण करना, ध्यान करना, ये सत्कर्म जो होते हैं इसका जो है अक्षय फल होते हैं, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी भीष्म अष्टमी के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसी तिथि को जो है बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने जो है सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण जो थे ये छोड़े थे। जो मनुष्य जो है माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी को जो है भीष्म के निमित्त जो है तर्पण जल दान करते हैं, उसके कहते हैं कि वर्ष भर के समस्त पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पितामह के नाम से जो है उनको तर्पण करना, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने जो है आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत जो लिया था। तो इस प्रकार से यहाँ भीष्म पितामह जो है कहते हैं हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र थे, उनकी माता जो थी देवनदी, देव नदी भागी रथी जो है माँ गंगा की जे पुत्र थे, इनकी जे माँ जो है माँ गंगा थी और बचपन में ही इनका नाम जो था देवव्रत था, बचपन का नाम इनका देवव्रत था। इन्होंने जो है देवगुरु बृहस्पति से जो है शास्त्र विद्या से ये प्राप्त की थी और परशुराम से इन्होंने अस्त्र विद्या जो थी ये प्राप्त की थी। इस प्रकार से कहते हैं इनके समकालीन जो है उस समय शस्त्र और शास्त्र का इनके जैसा जो है कोई ज्ञाता जो है इस संसार सृष्टि पर नहीं था। इतने जो है वीर पुरुष थे, योद्धा थे, धार्मिक थे, इस प्रकार स्पष्ट शास्त्रों का जो है इन्हें ज्ञान था और वीर होने के साथ साथ जे सदाचारी तथा जे धार्मिक थे, सब प्रकार से ये योग्य देख करके इनके पिता महाराज शांतनु जो है इनको जो है युवराज जो था ये घोषित कर दिया।
जो राय घोषित कर दी है। कहते कि एक बार महाराज जो है ये शिकार खेलने के लिए गए हुए थे और वन में इन्होंने जो है मदत से गंधा निषाद राज की कन्या मदत से गंधा को देखा और जो है जो कि महर्षि पराशर के आशीर्वाद से वरदान से जो है वह अपूर्व लावण्यवती थी और जो है उसे देख करके शांत जो है उनके रूप को देख करके वन पर मुग्ध हुई और जो उन्होंने निषाद राज से जो है प्रार्थना की कन्या के पिता निषाद राज से उन्होंने उस कन्या के लिए प्रार्थना की इसका विवाह जो है मेरे साथ कर दो। तो उस समय कहते हैं कि निषाद राज ने महाराज शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है परंतु मेरी जो कन्या जो है इसका जो पुत्र होगा वही जो है आगे चल करके राजा होगा, ये मेरी शर्त है। तो राजा जो है अपने पुत्र विष्णु जो है देवव्रत को जो है युवराज पद पर जो घोषित कर चुके थे और इस प्रकार से अब जो है वहां से निराश होकर के वापस चले आए। अब मन ही मन सोचते रहते और कहते हैं कि महाराज शांतनु जो थे बीमार हो गए। जिस समय देवव्रत को जो है ये पता चला कि पिता के बीमार होने का कारण क्या है तो स्वयं जो है उस निषाद राज के पास गए और जाकर के उन उस कन्या के लिए प्रार्थना की आपने ये कन्या इसका विवाह मेरे पिता के साथ कर दीजिए। तो उसने निषाद राज ने तब जो है देवव्रत से यही कहा जो राजा शांतनु से कहा था कि मेरी जो कन्या जो है मैं इसका विवाह जो है आपके पिता राजा शांतनु से कर सकता हूँ परंतु मेरी शर्त है कि इसका होने वाला जो बालक होगा मेरा दोहित्र जो है वही राजगद्दी का मालिक होगा वही राजा होगा आगे चल करके, इसलिए जो है ये मेरी शर्त है। तब जो है देवव्रत ने कहा कि ठीक है आपकी शर्त मुझे मंजूर है कि आपकी कन्या से उत्पन्न होने वाला बालक जो है वही जो है इस राजा होगा, इसलिए मैं जी आपको वचन देता हूँ कि मैं जो है राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, उसी बालक को जो है जो इस कन्या का बालक होगा उसी को गद्दी पर बिठाया जाएगा। तब जो है निषाद राय ने कहा कि ठीक है आप तो कह रहे हैं वचन दे रहे हैं मुझे परंतु यदि आपका पुत्र जो है मेरे धोत्र को पराजित कर करके उससे राज्य छीन लेगा तब क्या होगा। तो आगे के लिए जब इस प्रकार से निषाद राज ने उससे कहा तब कहते कि उस समय देवव्रत ने जो है सभी अग्नि को सब देव देवताओं को साक्षी मानते हुए जो है कहते हुए उस समय देवता जो सामने प्रत्यक्ष आ गए थे जिस समय देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी। कहते कि उस समय उन्होंने दोनों अपने हाथ ऊपर उठा करके जो है सभी देवताओं को देव देवताओं को साक्षी मानते हुए जो है अग्नि देव को साक्षी मानते हुए उस समय से प्रतिज्ञा की और सभी देवगण साक्षात वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा मैं समस्त देव देवताओं के सामने जो है जी भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ मैं आजीवन जो है ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण से जो है इनका नाम जो था भीष्म पड़ा। बोलो सच्चे दरबार की। इस प्रकार से भीष्म पितामह जो है यह जिन्होंने जो है आजीवन जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया और जी इनके कोई संतान ही कहते हैं कि जितने भी हिंदू हैं सब इनकी संतान है जो हिंदू जो है इनके प्रति जो है आज अष्टमी के दिन जो है तर्पण करते हैं जल दान करते हैं उनके जो है वर्ष भर के समस्त पाप का नाश होता है। तो इस प्रकार से भीष्म अष्टमी के दिन ये आप भक्तों को माँ के दरबार में आकर के माँ भगवती के चरणों बैठ करके माँ की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज जो है शुभ संक्रांति भी है फाल्गुन मास की संक्रांति जो है आज सूर्य जो है यह मकर राशि से यह कुंभ राशि में इसका संक्रमण होगा। जिस संक्रांति जो है 30 मुहूर्त कहते हैं कि सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि संक्रमण करना संक्रांति कहते हैं तो वह समय जो है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि संक्रमण करना जो बीच का वह समय होता है उसे पुण्यकाल कहा गया है। उस समय में किया पुण्य कर्म जो होता है उसका फल अक्षय होता है।
जिस संक्रांति होती है तो सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि संक्रमण करना, प्रवेश करना जो है संक्रांति का रहता है। आज यह सूर्य जो है मकर राशि से कुंभ राशि में इसका प्रवेश हो रहा है। यह संक्रांति जो है ये 30 मुहूर्ति है। यह संक्रांति इसका पुण्य काल जो है 8:47 पर जो है ये प्रारंभ होगा और जो है मध्यान काल तक 3:11 तक जो है इसका पुण्यकाल ये रहेगा। ये पुण्यकाल है तो इस पुण्यकाल में किया हुआ जो है स्नान दान जप पाठ ये जो पुण्य जो होता है इसका अक्षय फल होते हैं। इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। तो संक्रांति की आप सब भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं फाल्गुन शुभ संक्रांति की और भगवती जो है जी माँ के दरबार में आकर के आज तो संक्रांति के दिन जो है माँ के चरण में बैठ करके आप भक्तों को माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने का माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का जो है आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर आज दुर्गाष्टमी भी है। ये गुप्त नवरात्र की अष्टमी जो है जी दुर्गाष्टमी जो है बड़ा एक विशेष योग जैसे बना हुआ है। ऐसे योग में जो है आप भक्तों को माँ के चरणों बैठ करके पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दुर्गा की जो 9 रूप जो है और 9 रूप जो है 8वीं शक्ति जो है माँ भगवती की जो है ये महाघोरी से जानी गई है। महाघोरी जो है प्रथम शैल पुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटे थी कुश मांडे चतुर्थकम पंचम स्कंदम आते थी षष्टम कात्यायनी च सप्तम काल रात्रि थी महाघोरी चाष्टम नवम सिद्धि धात्री च नव दुर्गा पर कीर्ति था। ये माँ भगवती की माँ दुर्गा की ये 9 रूप है और 9 दिन की साधना विशेष जो है ये शक्ति पूजन शक्ति संवर्धन शक्ति संचय के दिन होते हैं। इस प्रकार से ये शक्ति उपासना के ये विशेष दिन है और फिर इस शक्ति पीठ पर आकर के ही आपका ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे उत्तम योग में भगवती की आराधना अर्चना करने का माँ जी गौरी जो है जी भगवती का जो 8वां रूप जो है ये महागौरी का है। माँ गौरी जो है कहते हैं इसका वर्ण जो एकदम घोर है और इनकी तुलना जो है शंख और कुंद के फूल के साथ जो की गई है। जे ऐसे जो है इनका जो श्वेत वर्ण जो है कहते हैं अष्टवर्षा भवेद गौरी इनकी आयु जो है 8 वर्ष की बतलाएगी। और जे माँ भगवती जो है कहते हैं इनके वस्त्र और आभूषण जो है ये भी श्वेत वर्ण है। इनका स्वयं का वर्ण श्वेत है घोर है और जिनके वस्त्र एवं आभूषण जो है ये भी घोर है और वृषभ वाहना है जो वृषभ के विराजमान है और इस बैल पर जो है श्वेत बैल पर जो विराजमान है। इनकी 4 भुजा है। एक हाथ जो है इनका भर मुद्रा में है एक अवय मुद्रा में एक हाथ में ढमरू लिए हुए हैं एक हाथ में जो त्रिशूल धारण किए हुए हैं। ऐसा जो स्वरूप जो महाघोरी का जो है आज के दिन साधक जन जो है इसी महाघोरी के स्वरूप का ध्यान कर करके माँ दुर्गा की महाघोरी की विशेष आराधना अर्चना करते हैं। शिव घोरी की विशेष पूजा बतलाई गई है। कहते हैं कि शिव घोरी की क्योंकि भगवान शिव जो है जगत पिता है और इस जगजन्य जगत माता शिवा महाघोरी जो है जगत की माँ है ये आदि शक्ति है और ये जगत पिता भगवान शिव जो है जिसके आप इस गुहा के अंदर जो जहाँ पर दर्शन करते हैं साक्षात इस गुफा के अंदर जगत के माता पिता के दर्शन है क्योंकि भगवती आदि शक्ति इस गुफा के अंदर 3 दिव्य रूप में विराजमान है और भगवान शिव जो सामने जो है क्योंकि जहाँ शक्ति वहाँ शिव है जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है तो भगवान शिव जो सामने विराजमान है और तीनों पिंडिक रूप में भगवती आदि शक्ति वहाँ विराजमान है। तो इन्होंने जो है अपने पार्वती के रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की थी और बहुत समय तक इन्होंने कठिन तपस्या की और तब करते करते जो है इनका शरीर धूमल मैला हो चुका था। भगवान शिव जो है इन्हें पति गृह में प्राप्त हुई। इनकी जो प्रतिज्ञा थी वह पूर्ण हुई क्योंकि इनकी जो प्रतिज्ञा थी ब्रियहम भरदम शंभम नान्यम देव महेश्वरा मैं यदि वर्ण करूंगी तो भगवान शिव का करूंगा अन्य किसी देव का नहीं ऐसी इनकी एक प्रतिज्ञा थी। और कहते हैं तुलसीदास ने रामायण में जो लिखा हुआ है जन्म कोटि लग जगह हमारी भरो शंभु ना तो रहो कुमारी यदि मैं वर्ण करूंगी तो भगवान शिव का नहीं तो कुमारी ही रहूंगी ऐसी इनकी तपस्या थी और इनकी तपस्या जो है वह सफल हुई। भगवान शिव जो थे इनको जो है पति रूप में प्राप्त हुए। इस प्रकार से जब
इनकी मनोकामना पूर्ण हुई, तब जो है पूर्ण हुआ और फिर जो है इन्होंने माँ गंगा में स्नान किया। जब गंगा में स्नान किया तो इनका रूप जो था एकदम घोर हो गया, जिससे जो भगवती महाघोरी के नाम से विख्यात है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए माँ महाघोरी का अध्ययन, माँ का स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए जो है जिन्हें जिस सर्वित कल्याणकारी ही जे माँ भगवती महागौरी जी है, सद्या फलदायी है। जो ही भक्त इसका स्मरण करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ का पूजन करते हैं, माँ की कृपा से उन भक्तों की समस्त मनोकामना जब पूर्ण होती है और माँ भगवती गौरी के आशीर्वाद से उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। आज का जो अष्टम रूप माँ भगवती महागौरी का जो है जी, आप सब भक्तों को, पूरे विश्व के भक्तों को, सबको जो है ये भगवती महागौरी जो है वरदान दे, सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबका कल्याण करें। माँ का वरदान जो है ये फलभूत हो कि आपकी जो भी आप जो मनोकामना लेकर के माँ के दरबार में आए हैं, माँ भगवती प्रसन्नचित होकर के आपके मनोरथों को पूर्ण करें और सदा सर्वदा आप पर अपनी दयादृष्टि बनाए रखें, सर्वत्र आपका मंगल मंगल करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय कराय श्री वालिदा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी माँ भगवती के बीज मंत्र का पाठ करेंगी। जब मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र का जप जो है और फिर माँ के दरबार में आकर स्पिंडिक रूम माँ के दर्शन जो भक्तजन करते हैं, इस तरह से मंत्र के द्वारा माँ की साधना, जप और माँ का दर्शन जो है, जैसा करने से इन तीनों देवियों की भक्तों पूर्ण कृपा होती है और जिन पर तीनों देवियों की कृपा होती है उनके जीवन में सर्वदा मंगल ही मंगल बना रहता है। तो सभी जो इस मंत्र का पाठ करेंगे, संभल कर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। 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 सच्चे दरबार की जय। सभी भक्तों को संक्रांति की इस दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और माँ इसी प्रकार से माँ की कृपा से आपको ऐसे सौभाग्य प्राप्त होते रहे, ऐसी परम पवित्र मेला में ऐसी विशेष तिथियों पर जो है माँ आपको अपने दरबार में बुला करके आपको इसी प्रकार से आशीर्वाद दें और आपकी सब मनोकामना जो है वह पूर्ण करें और माँ सर्वदा आप पर प्रसन्न रहे। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, श्री श्री जी से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगी। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते श्री श्री जी। जय करा मेरी शरण वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। आंखों में हो आंसू और होठों पे माँ का नाम क्यों नहीं रिझेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ। आँखों में हो आँसू और होठों पे माँ का नाम क्यों नहीं रिझेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं रिझेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ। कर भरोसा बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम क्यों नहीं रिझेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं रिझेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ। आँखों में हो आँसू और होठों पे माँ का नाम क्यों नहीं रिझेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं रिझेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ। ताली से हाथ पकड़ लगाइए, ढीले ताले नहीं, काली की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करे, आपके झोलिए भरे, आपके मर्यादे पूरी करे, आपका जीवन खुशियों से भरते। ताली से
अपने पापों पर पछताए जब भी तू रो देगा, अपने पापों पर पछताए जब भी तू रो देगा, तेरा एक एक आंसू क्यों ना पापों को धो देगा, तेरा एक एक आंसू क्यों ना पापों को धो देगा, फिर अम्बे माँ का दर्शन होगा, आहो का ही नाम क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ, नहीं मानेगी मेरी माँ, नहीं रिझगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, आँखों में हो आंसू और होठों पे माँ का नाम क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ, आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप मैया का बसता, आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप मैया का बसता, ऐसे रोने से माँ मिल जाए तो जानो सस्ता, ऐसे रोने से माँ मिल जाए तो जानो सस्ता, कितने दुर्लभ माँ के दर्शन कितने सस्ते दाम, हंसता है पर रोदना आसान नहीं, रोने से जग हंसता है पर रोदना आसान नहीं, बंधु माँ करुणा सिंधु कर देगी पहचान सही, बंधु माँ करुणा सिंधु कर देगी पहचान सही, भक्त वत्सला शरणागत को भजल सुबह शाम क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ, मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, आँखों में हो और होठों पे माँ का नाम क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, आंसू भी क्या आंसू जो जग के लिए बहाए, वो आंसू भी क्या आंसू जो जग के लिए बहाए, माँ की याद में बही जो आंसू वो आंसू कहलाए, माँ की याद में बही जो आंसू वो आंसू कहलाए, ऐसे ही एक आंसू पर वो थोड़ी आएगी माँ क्यों रिझगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, आँखों में हो आंसू और होठों पे माँ का नाम क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय।
जय करो श्रवण भोल सच्चे दरबार की जय। जोता बनिए जगाम तेरे चरने च हो जोता बनिए जगाम तेरे चरने च गंगा बनिए भगाम तेरे चरने च हो गंगा बनिए भगाम तेरे चरने च जोता बनिए जगाम तेरे चरने च हो जोता बनिए जगाम तेरे चरने च करे सवारी पौड़ी पौड़ी दौड़ पुजारी शेर दी तू करे सवारी पौड़ी पौड़ी दौड़ पुजारी शेर दी तू करे सवारी पौड़ी पौड़ी दौड़ पुजारी शेर दी तू करे सवारी पौड़ी पौड़ी दौड़ पुजारी आऊं पिते दी राम तेरे चरने च राम तेरे चरने च जोता बनिए जगाम तेरे चरने च हो जोता बनिए जगाम तेरे चरने च गंगा बनिए भगाम तेरे चरने च हो गंगा बनिए भगाम तेरे चरने च जोता बनिए जगाम तेरे चरने च हो जोता बनिए जगाम तेरे चरने च मारा तारी मने दी सारी मैल तुआरी बाण गंगाए चुमारा तारी मने दी सारी मैल तुआरी बाण गंगाए चुमारा तारी मने दी सारी मैल तुआरी आई तेरे दर भवाम तेरे चरने च हो आई तेरे दर भवाम तेरे चरने च जोता बनिए जगाम तेरे चरने च हो जोता बनिए जगाम तेरे चरने च गंगा बनिए भगाम तेरे चरने च गंगा बनिए भगाम तेरे चरने च जोता बनिए जगाम तेरे चरने च जोता बनिए जगाम तेरे चरने च भोले च तेरे परछावे बूटे ऊपर तेरे नावे 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 पापी मंगदे क्षमा तेरे चरने हाँ पापी मंगदे क्षमा तेरे चरने जोता बनिए जगाम तेरे चरने हो जोता बनिए जगाम तेरे चरने गंगा बनिए भगाम तेरे चरने बनिए भगाम तेरे चरने जोता बनिए जगाम 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 तेरे चरने जय कर श्री हरि बोल सच्चे दरबार की जय। जय कर श्रीनवली बोल सच्चे दरबार की जय। चढ़नियां उच्चियां घटियां असी आए तेरे दीदार मां जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे भरे भंडार चढ़निया उचिया हसिया तेरे दीदार मां जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे भरे काटिया अशिया
आए तेरे दीदार नू मां जगदंबे शेरा वालिए अज बोल दी भरे खंडार नू चलिया पुछिया काटिया हो असी आए तेरे दीदार नू मां जगदंबे शेरा वालिए अज खोल दे परे भंडार नू चढ़िया उचिया काटिया भवानी तैथू कोई गल लुकी नहीं तू है जानी जान भवानी तैथू कोई गल लुकी नहीं तू है जानी जान भवानी तैथू कोई गल लुकी नहीं ओ तू है जानी जान भवानी मोह ममता दी अग भड़क दी कोई जग बिच सुखी नहीं मोह ममता दी अग भड़क दी कोई जग बिच सुखी नहीं कोई होर न दिसदा आसरा हुण करते हां बेड़ा पार तू मां जगदंबे शेरा वालिए अज खोल दे भरे भंडार नू होर ना दिसदा आसरा करते हां बेड़ा पार तू मां जगदंबे शेरा वालिए अज खोल दे परे भंडार नू सड़नियां सुचियां घाटियां असी आए तेरे दीदार नू मां जगदंबे शेरा वालिए अज खोल दे भरे भंडार नू चढ़नियां उचियां घाटियां हो असी आए तेरे दीदार नू मां जगदंबे शेरा वालिए अज खोल दे परे भंडार नू चढ़नियां उचियां घाटियां तू दाती दया जिस ते कर दे उस दी उच्ची शान सदा तू दाती दया जिस ते कर दे उस दी उच्ची शान सदा तू दाती दया जिस ते कर दे उस दी उच्ची शान सदा तू दाती दया जिस ते कर दे उस दी उच्ची शान सदा तेरी कृपा जिस ते होवे उस दा है जग विच मान सदा हो तेरी कृपा जिस ते होवे उस दा है जग विच मान सदा मैं नहीं आदास अनजान हां सुन माता जी मेरी पुकार नू मां जगदंबे शेरा वालिए अज बोल दे भरे भंडार नू मैं मैया दास अनजान हां सुन माता जी मेरी पुकार नू मां जगदंबे शेरा वालिए अज खोल दे ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਾਟੀ
तू ठोकर खाके मैं तेरे डर ते आन दिगामा सब तो ठोकर खाके मैं दिल दुखिया मेरा एहो चामदा छड़ दे मां मतलबी संसार नो दुखिया मेरा हो चामदा हो छट दे मामद लवी संसार नू जगदम्बे शेरा वाली अज खोल दे परे तंदार नू दुनिया उचिया घाटिया अशिया खोल दे भरे अंडार नू चरनिया उचिया काटिया हो आए तेरे दीदार नू जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे भरे अंडार नू चरनिया उचिया काटिया माँ तेरे मुझ पापी नू दस हाँ कौन संभालेगा माँ तेरे बिन मुझ पापी नू दस हाँ कौन संभालेगा माँ तेरे बिन मुझ पापी नू दस हाँ कौन संभालेगा माँ तेरे बिन मुझ पापी नू दस हाँ कौन संभालेगा बे आसरे न माने पुत नू माँ बिन केड़ा पालेगा बे आसरे न माने पुत नू माँ बिन केड़ा पालेगा तेरे चरना च हो मेरी अर्ज है मैया पुली न चमन सेवादार नू मां जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे भरे अंडार नू मैया पुली न चमन सेवादार नू मां जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे भरे अंडार नू अशियाए तेरे दीदार नो मां जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे भरे भंडार नो चरनिया उचिया काटिया हो अशियाए भरे भंडार अज खोल दे भरे भंडार
बोल सच्चे द्वार की जय। आरोड़ सदन से भ्रमति गगने दक्षिणे चक सूत्र बामे हस्त दिभ्यां भ्रकटमयं पुस्तकं ज्ञान गम्यं सभी स्वकृतजपे शास्त्र विज्ञान शब्द क्रीणंत दिव्यूपर कमलधरा भारती सुप्रसन्ना सच्चे ज्योत वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संवाद 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल शिष्य ऋतु फाल्गुन मास की आज शुभ संक्रांति ही। आज सूरज मकर राशि से कुंभ राशि में इसका प्रवेश हुआ ही। इस संक्रांति का पुण्य काल जो है 8:47 से लेकर के 3:15 तक रहेगा। माघ शुक्ल पक्ष आज अष्टमी तिथि ही बुधवार तदनुसार 13 फरवरी 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पर्वित्र वेला में और विशेषतया संक्रांति गुप्त नवरात्र एवं विष्णु अष्टमी के दिन जो है माँ के चरण में बैठ करके भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ ही। क्योंकि इस समय गुप्त नवरात्र चल रही है और गुप्त नवरात्र के आज अष्टमी है और अष्टम स्वरूप जो है माँ भगवती महाघोरी का है। तो माँ भगवती जो है आज महाघोरी दुर्गा अष्टमी के दिन जो है आप सब भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बधाई और माँ वैष्णो देवी की ओर से सभी भक्तों को वर्धापन आशीर्वाद और माँ भगवती सब ओर से सभी भक्तों का मंगल करें। इस पर्वित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी इस पर्वित्र वेला में माँ वैष्णो देवी की ओर से सभी भक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान जसस्वे भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर भूत करणे धाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे धैर्य दर्भदलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंभर पाद पुण्यत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुना बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देशो शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम आविदात शुभमानम हियते धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभम सत्समसरम दीर्घमाजो अस्तु दीर्घमाजो। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धन्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आपसे भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे समल करवल ताली बजाते हुए ॐ जय अम्बे गौरे मैया जय श्यामा मैया जय मंगल मैया जय आनंद
प्रेम सहित गावे तहत शिवानंद
अर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा जय, सर्प सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा जय, बल सच्चे धारी की जय, क्षमा करो अपराध शरण माया, क्षमा करो अपराध शरण करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय, जय माता दी, 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 जय
पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
जयकारा श्री बलि जी का जय सतगुरु की जय। भगवती माता रानी जी के चरणों में आज संक्रांत के दिन माता रानी जी की गोदी में बैठ के आपको तप करने का मौका मिला।
ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता। माता रानी ये जो आपने ठंडी ठंडी में बैठ के तप किया, सत्संग किया, भगवती माता रानी जी आज संक्रांति के दिन आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, अब सबकी हाजिरियां कबूल करें और आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। अभी सभी ने आरती का आनंद लिया, सबको आरती का आनंद आया। माता रानी जी ये जो आनंद है ना आपके जीवन में बार बार आता रहे, इसी आनंद की जोश में सभी ने जयकारा बोलना है पूरे गूंज के साथ। आप सभी पूरे जोर के बोलो सच्चे दरबार की जय। थोड़ी सी कोशिश कीजिए, ठंड दूर हो जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आशीर्वाद जय माता दी। आशीर्वाद दो सबकी लोग। जय हो जय हो।
ਖਾਲੋ ਜਲਦੀ ਵੀ ਬਦਾਮ ਵੀ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਬਰਫੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦੋ ਅਸ਼ੀਨ ਦੋ ਅਸ਼ੀਨ